अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अपना कोविड टेस्ट करवाने, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए। सो पहले जो था कोविड के टेस्ट जो थे फॉर ट्रैवलर्स और नॉन ट्रैवलर्स, उन सब के लिए फ्री हुआ करते थे। लेकिन टू डेज़ पहले ऑर्डर आया कि फॉर ट्रैवलर्स को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए। सो अब हम अपना वही टेस्ट करवाने जा रहे हैं। और ये लोग आपका टेस्ट कोविड का वन डे बिफोर वाला ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने टू और थ्री डेज़ बिफोर वाला टेस्ट इनको ला के दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी फ़्लाइट भी कैंसिल कर देंगे। सो इसलिए हम लोग बस में गए, बिकॉज़ हमारी गाड़ी भी मॉर्निंग में ख़राब हो गई, तो हमें अर्जेंटली जाना था, तो हमारे पास बस का ही ऑप्शन था मॉर्निंग में। हॉस्पिटल में हमने कोविड के टेस्ट के चार्जेस पे किए, जो कि पर पर्सन आई थिंक 40 to 60 बीडी था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, बिकॉज़ फ़्लाइट की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। इतनी हाई थी कि वन पर्सन की इतनी प्राइस ली थी कि वो सिंगल में ही के आने जाने की टिकट के पैसे उन्होंने सिंगल टिकट दी थी उसमें हमें। सो खैर मजबूरी थी तो जाना पड़ा। लेकिन चलें आप अब ये बहरीन देखें और बहरीन की साफ़ सुथरी सड़कें देखें, रोड्स देखें। ये है हॉस्पिटल जो कि हमें रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ नहीं किया था इन्होंने हमें। खैर इसके बाद हम लोगों ने सोचा हम आइसक्रीम खा लें, बिकॉज़ आप लोगों को पता है अरब कंट्रीज़ में कितनी गर्मी होती है। सो हमने बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम ली, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी होती है। आई थिंक वी एडिट 7 to 8 फ्लेवर्स इन आवर बॉक्स। और इसके बाद अच्छा मैं आपको कोविड के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। उन्होंने सेपरेट कैंप लगाए हुए थे जिन लोगों ने टेस्ट करवाने थे अपने और थ्रू देयर ऐप, और आप वहाँ जा के भी दोनों तरीक़ों से आप इनके अपना टेस्ट ले सकते हैं। सो खैर कि यहाँ पे मैं अपने फ्लेवर्स डलवा रही हूँ जो मुझे पसंद थे। और इनकी आइसक्रीम इतनी टेस्टी होती है, आई गारंटी यू के अगर आप कोई भी फ्लेवर खाएंगे यू विल लव इट। और यहाँ पर हमारा जाने का टाइम आ गया है। सो फिर अब हम सबसे पहले हम लोग पहुँच गए थे बहरीन के पुराने एयरपोर्ट पर, बिकॉज़ हमें आइडिया नहीं था कि इन्होंने न्यू एयरपोर्ट बना लिया है और अब यहाँ से जाना है। सो खैर आप देखें इनका न्यू एयरपोर्ट जो कि बहुत प्यारा था। थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड हुई है क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी 6:30 की थी, तो इन्होंने हमें 2 o'clock पे कह दिया था कि आप लोग यहाँ आ जाएं, बिकॉज़ कोविड की वजह से इन्होंने मैं जल्दी बुला लिया था। और बाकी आपको मैं साथ साथ बताती हूँ कि इन्होंने किस तरह SOPs को फॉलो किया, बिकॉज़ थर्ड वेव भी आ गई है। सो इन्होंने जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उससे नेक्स्ट डे इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था, तो सब चेयर सब कुछ
उल्टा कर दिया था, और हमें भी मना कर रहे थे कि एक-एक गैप से बंदा बैठे ताकि जितना हो सके ये कोविड ना फैले। सो खैर, और कोविड में फ्लाइट्स भी इतने हैक्टिक थे, बिकॉज़ अगर आपके रिपोर्ट भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, आपके पैसे टिकट्स के सब। हमने यहाँ पे एक्सपेंसिव कराए थे बिकॉज़ हमने और मनी भी दी थी कि अगर हमारा कुछ किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है तो ये होगा कि हमारे फ़्लाइट के जो टिकट के पैसे होंगे वो हमारे ज़ाया नहीं होंगे, और उसके लिए हमने और पैसे भी दिए थे। बहुत हैक्टिक था सब कुछ, बिकॉज़ टिकट्स भी इतने एक्सपेंसिव थे और पैसे पे करना सब कुछ बहुत मुश्किल था। खैर, अब ये थोड़ी सी वीडियो जो रिकॉर्ड किया वो आप देखें और एंजॉय करें। और ये हमारी जगह जहाँ पे हमने नीचे बेसमेंट में जाना था। खैर, वो हमें मिल तो रही नहीं थी बिकॉज़ न्यू एयरपोर्ट था और समझ भी नहीं आ रही थी। तो खैर, इतनी मैं वीडियो भी नहीं बना सकी बिकॉज़ हमारी जो नीचे से थी बोर्डिंग स्टार्ट हो रही थी बेसमेंट से। सो खैर, इसके बाद ये 6 o'clock की हमारी हम एयरप्लेन में जा रहे हैं, और ये खाना था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं सब बिल्कुल कहूँगी कि अपना खाना चेंज करें, बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब था। टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आई मीन सॉल्टी सॉल्टी। ये सॉसेजेस था और एक ये पोटैटो की कटलेट टाइप था, बहुत अजीब था। आई विश के ये लोग मेरी वीडियो देखें और अपने खाने में कुछ चेंजेस लाएं। इतने टायर्ड थे, और यहाँ पे मैं SOPs को फॉलो करते हुए अपने हैंड पे सैनिटाइज़र लगा रही हूँ। और खैर, चाय तो इन लोगों की बिल्कुल भी
अच्छी नहीं होती, लेकिन आई वुड से कि मुझे ये कॉफ़ी फिर कुछ अच्छी लग गई थी, लेकिन जो इनका खाना था वो तो मुझे लग रहा था कोई किसी ने मुझे नमक डाल के दे दिया और मैं नमक खा रही हूँ बस। खैर मुझसे नहीं खाया गया था, मैंने अपनी फैमिली को दे दिया था जिन्होंने इसे खा लिया था। आई वॉज सो सो एंग्री एट द टाइम बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था, भूखे थे, बहुत देर से जाग रहे थे, इवन एरोप्लेन पे भी हमने कुछ नहीं खाया बिकॉज खाना ही इतना अजीब था और एरोप्लेन ने इतना स्केर्ड किया क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी। अरब में आपको पता है कि गर्मियाँ ना ज़्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी, नॉर्मल मौसम था, तो हवा भी बहुत तेज़ थी, गर्मी थी उस टाइम, तो जिसकी वजह से एकदम से हवा एयरप्लेन के पंखों में से हवा एकदम हवा आवाज़ आने लगती थी और मैं डर जाती थी, बहुत स्केर्ड था ये सब कुछ। वीडियो भी इसलिए इतनी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मॉर्निंग का टाइम एरोप्लेन में सूरज की जो रेस थी वो बिल्कुल विंडो से मेरे मुंह पे आ रही थी, तो वीडियो रिकॉर्ड करना तो बहुत मुश्किल था। खैर यहाँ पे हम पाकिस्तान आ चुके हैं, आई वॉज सो हैप्पी, अपना मुल्क तो अपना होता है, और पाकिस्तान में भी बहुत स्ट्रिक्टनेस थी और बहुत सख्ती थी कि बस जल्दी जल्दी जाएं और खड़ा होना और फजूल और ये वो सब अलाउड नहीं था। खैर लैंडिंग थी जो कि मुश्किल से आई थिंक स्केरी थी मेरे लिए, फ्लाइट मेरे लिए ज़्यादा स्केरी होती है। खैर आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अल्लाह हाफिज़।